हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरे किचन में स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम मेथी के थेपले बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी थेपले बनके तैयार होते हैं। चलिए थेपले बनाना शुरू करते हैं। देखिए ये थेपले जो है बहुत ही सॉफ्ट और बेहतरीन बनके तैयार होते हैं। आप देख सकते हैं, आप जिधर से मोड़ेंगे ये इधर मुड़ जाएंगे, तोड़ेंगे तो ये टूट जाएंगे। देख सकते हैं आप ये कैसे बनके तैयार होंगे। इस तरीके से आज हम आपको मेथी के थेपले बना के दिखाएंगे कि कितने इतने बेहतरीन थेपले आप कैसे बना सकते हैं घर पे। बहुत ही बेहतरीन, आप इसे सफर में जा रहे हैं तो इसे बना के आप ले जा सकते हैं। चाय के साथ खाइए, सब्जी किसी भी तरह की सब्जी के साथ इसे आप खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी मतलब लगते हैं ये थेपले। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, थेपले बनाना शुरू करते हैं। देखिए हमने मेथी के पत्तों को ले लिया है। आज हम मेथी के मतलब मेथी का थेपला बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसे हमें पत्तों को क्या करना है, अच्छे से हमें बारीकी से काट के और अच्छे से हमें इसे धुल लेंगे, पत्तों को तीन चार बार धुल लेंगे, इसमें की जो मिट्टी वगैरह हो अच्छे से साफ हो जाए। पत्तों को हमें अच्छे से पहले काट लेना है। देखिए ऐसे ही करते हुए हम पत्तों को काट के तैयार कर लेंगे। देखिए अब इसे हम लेके साफ से धुल लेंगे। देखिए हमने इसे बहुत ही बारीकी से हमने पत्तों को काट के तैयार कर लिया है। अब इसे हम लेके साफ से अच्छे से धुल के तैयार कर लेंगे। देखिए हमने आटा ले लिया है। अब इसमें हम पहले नमक डाल देते हैं। देखिए हमने नमक ले लिया, ये हरा धनिया, और हमने ये काट के अदरक और लहसुन और हरा मिर्च ये हम डाल देते हैं इसमें। देखिए हमने इसे काट लिया था, और ये जो धनिया था और ये जो पत्ते हैं मेथी के ये हम ले लेते हैं। देखिए हमने इसे ले लिया। देखिए हमने दही ले लिया है, दही में से हम ले लेते हैं थोड़ी सी। हमने ये दही ले लिया, अब इसमें हम तेल डाल देते हैं। देखिए हमने ये अजवाइन ले लिया, और ये हमने फरसून का तेल ले रखा है। अब इन सबको अच्छे से हमें मिला लेना है। देखिए हमने ये बेसन ले लिया, अब इसे अच्छे से हमें मिला देना है। देखिए हमने अच्छे से इसे मिला के तैयार कर लिया है। हमने उसी कटोरे में पानी ले लिया है। अब पानी डाल के हम आटे को गूंथ के तैयार कर लेंगे। अच्छे से हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और आटे को हमें गूंथना है। देखिए ऐसे हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हल्का सा फिर पानी हम लेंगे। इससे थोड़ा थोड़ा पानी लेके आटे को गूंथने से आटे में जो लस्सी जो बहुत अच्छे से बनती है, पराठे बहुत बेहतरीन बन के तैयार होते हैं। देखिए ऐसे ही करते हुए हम आटे को गूंथ के तैयार कर लेंगे। देखिए हमने आटे को गूंथ के तैयार कर लिया है। हमने गूंथ के आटे को तैयार कर लिया, आपको पास से दिखाते हैं। देखिए कितना मतलब नरम और सॉफ्ट, ऐसे ही होना चाहिए आटा, बहुत बेहतरीन आटा तैयार हुआ है, ठीक है। अब इसमें से हम ले लेंगे, अब हम थेपले बनाएंगे। देखिए हमें क्या करना है, इसे लेके जैसा आप बड़ा छोटा पसंद करते हैं उसके अनुसार आप थेपले बना सकते हैं, लेकिन पतला बनाया जाता है। देखिए हम इतना बड़ा बड़ा ले लेते हैं इसको, हल्की सी रोटी से मतलब रोटी के साइज से बड़ा हमें लेना है, ठीक है। ऐसे ही करके अब इसे हम साइड में कर देते हैं, इधर थोड़ा मतलब ये बेलने में दिक्कत होगी, ज्यादा नहीं है। अब इसको हम ले लेते हैं आटे को, अब इसको हम रखते हैं साइड में। अब इसे हम गोल घुमाते हुए, देखिए ऐसे ही हम इसे गोल घुमाते हुए, अब इसमें हम लगाएंगे सूखा आटा। हमें सूखा आटा लगा लेना, हमने साइड में रख दिया है, हमने सूखे आटे में से इसे लगा लिया है। अब हमें इसे बेलना है। देखिए इसे हमें बेल के तैयार करना है। बहुत ही टेस्टी थेपले बन के तैयार होते हैं। आप सफर में जा रहे हैं, सफर के लिए जरूर बनाए, सफर में जा रहे हैं सफर के लिए अगर बना लेंगे आप, ये हफ्ते दिन खराब नहीं होते, वैसे ही एकदम मुलायम पड़ा रहता है। देखिए ऐसे हमें इसे बेलना है। ये साइज ठीक है, ना मोटा है ना पतला है, ऐसे ही होना चाहिए, ये तैयार हो चुका है। ऐसे ही करते हुए हम दूसरा वाला भी बना के आपको दिखाते हैं। देखिए अब इसे हम प्लेट में ले लेते हैं, हम दूसरा वाला भी ऐसे ही बना लेते हैं। देखिए हमें जैसे हमने पहली बार बनाया वैसे हमें इसे क्या करना है, सूखा आटा लगाना है। अब इसे चकले पे रखना है और बेलन की सहायता से इसे हमें बड़ा करना है। बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होते हैं ये थेपले जो है। देखिए ऐसे ही करते हुए हम
जैसे हमने उसे बनाया पहले वाले को, वैसे हम दूसरे वाले को भी तैयार कर लेंगे। देखिए हमने इसे भी तैयार कर लिया, ऐसे ही करते हुए हम और थेपले बना के तैयार कर लेंगे। देखिए हमने सारा बना के तैयार कर लिया है, हमने इसे प्लेट में ले लिया। अब चलिए हमने तावा रख दिया चूल्हे पे, हमने चूल्हे को ऑन कर देना, हमने पहले से ही पराठा बनाया था और हमने तावा ले लिया है, चूल्हे पे हमने रख दिया है। देखिए तावा गर्म हो गया, हम पराठे को डाल देते हैं। हमने पहले पराठा बनाया था, ये लोहे का तावा है, बहुत तेज गर्म होता है। देखिए लगाने के लिए इस पे हमने फॉर्चून का तेल ले लिया है, घी भी ले सकते हैं। थेपले को मतलब बनाते समय ये ध्यान में रखना है, हमें थेपले को ज्यादा टाइट नहीं करना है, हमें इसे नरम रखना है, ठीक है। हमें इसे ज्यादा टाइट नहीं करना, हमें इसे बहुत नरम, थेपले जो होते हैं बहुत नरम होते हैं, ठीक है। ऐसे हमें इसे उलाटते पलाटते हम थोड़ी देर थेपले को सेकेंगे। अब इसके हम क्या करेंगे, तेल लगाएंगे फॉर्चून का। हमने जो तेल ले रखा है, तेल को हम अच्छे से ऐसे ही करते हुए हम अब इसे लगा लेते हैं। देखिए हमने इसे लगा के फिर हमने पलाट दिया, इस साइड हम लगा देते हैं। इसे हमें टाइट नहीं सेकना रहता है पराठे की वजह से, थेपले जो है नरम रहते हैं। जैसे हम सफर में जा रहे हैं कहीं, मतलब सफर कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप बना लेंगे, बहुत सॉफ्ट होगी, नरम रहेगा, टाइट बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। अब देखिए अब इसे हमें ऐसे ही स्पून घुमाते हुए अच्छे से थेपले को तैयार करना। आप देख सकते हैं कितना मतलब ये सॉफ्ट है, ऐसे ही थेपले होने चाहिए, बस अच्छे से हमें ये ध्यान देना है, इसे अच्छे से हमें सेक के तैयार करना है। देखिए ये जो थेपला है तैयार हो चुका है, इसे ज्यादा हमें नहीं सेकना, बस ये देखना है हमें, बस ये पक जाए, बस उतने तक हमें इसे सेक के तैयार करना है। पराठे जो हम बनाते हैं तो पराठे टाइट हमें चाहिए, तो हम उसे टाइट सेकते हैं। देखिए ये थेपला तैयार हो गया, अब इसे हम उतार लेते हैं प्लेट में। देखिए हमने इसे प्लेट में निकाल लिया और ये दूसरे वाले को डालते हैं। जैसे हमने पहली बार इसे उलाटते पलाटते हमने सेक के तैयार किया है, वैसे इसे भी हमें वैसे ही करते हुए इसे हमें उलाट पलाट के थेपले को तैयार कर लेना है। बहुत ही टेस्टी थेपले बन के तैयार होते हैं, आप चाय के साथ भी मतलब इसे खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं ये। देखिए हमें बस इसे उलाट, ज्यादातर हमें इसे उलाटना पलाटना रहता है क्योंकि ये जले ना, ज्यादा इसमें चित्तियां ना पड़े। देखिए अब इसे क्या करेंगे, हम फिर से वापस इसे जैसे हमने पहली बार तेल लगाया ऐसे ही हम इस पे तेल लगा देते हैं, बहुत ही टेस्टी थेपले बनते हैं। देखिए अब इसे फिर हमें क्या करना है, इस साइड भी हम तेल को लगा लेते हैं। देखिए हमने तेल को लगा लिया, ऐसे ही करते हुए हम सारे थेपले बना के तैयार कर लेंगे। देखिए हमने सारे थेपले जो हैं बना के हमने तैयार कर लिया है। अब देख सकते हैं हम चूल्हे को बंद करते हैं, अब इसे हम साइड में हटाते आपको दिखाते हैं। देखिए ये जो थेपले हैं आप देख सकते हैं पास से कितने बेहतरीन, बस हमें ऐसे ही इसे सेक के कम आंच पे हमें तैयार करना रहता है। आप देख सकते हैं ये कैसे मतलब एकदम नरम पड़ा है, थेपले ऐसे ही होने चाहिए, बहुत बेहतरीन और टेस्टी जो ये थेपले बन के तैयार हुए हैं आप देख सकते हैं। हम आपको पास से दिखाते हैं मोड़ के, जैसे आप मोड़ेंगे वैसे ही घूमते जाएंगे, भी बहुत ही गर्म है। इस तरीके से आप थेपले बनाएंगे, बहुत ही मतलब नरम और सॉफ्ट एकदम बेहतरीन जो है थेपले बन के तैयार होते हैं। देखिए हमारे थेपले बन के तैयार हो गए हैं, देखिए हम आपको पास से दिखाते हैं, देखिए कितनी बेहतरीन थेपले बने हैं। अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।